Good morning, this is Dr. Rakesh Jain, Pediatric Neurologist in Fortis Hospital, Gurgaon. आज मैं आपको एपिलेप्सी में जेनेटिक्स का क्या रोल है उसके बारे में बताना चाहता हूँ. काफ़ी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये बीमारी जो है मिर्गी की जेनेटिक तो नहीं है, आगे फैमिली में तो नहीं चलती है, हमारे परिवार में तो किसी को है नहीं, तो क्या हमें जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए. तो थोड़ा सा हम एपिलेप्सी और इसकी जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे इसमें. As I said in my earlier videos, कि epilepsy के जो 70% से ज़्यादा बच्चे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं दवा से, दवा भी छूट जाती है और बच्चे भी epilepsy से फ्री हो जाते हैं, कोई सीजर उनको बाद में नहीं आता है. तो आमतौर पे ऐसे बच्चे जो एक दवा से ठीक हो जाते हैं, MRI में कुछ क्लियर कट नहीं होता है, तो उन बच्चों में हमें ये टेस्ट कराने की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है, हम नहीं कराते हैं until unless पेरेंट्स जानना चाहें कि जी हमें जानना है कि बच्चे को कोई ये एपिलेप्सी का जेनेटिक से लिंक है या नहीं है, अदरवाइज हम उसको नहीं कराते हैं. लेकिन क्या ये जेनेटिक हो सकती है? यस, इट कैन बी जेनेटिक. कई बार हमें उसका जेनेटिक ट्रैकिंग मिल जाती है, परिवार में एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, फादर को आते हैं या उनके साइड में किसी को आते हैं या मदर की साइड में आते हैं, तो जेनेटिक लिंक होता है उसका. कई बार क्या है कि एपिलेप्सी इट कुड बी जेनेटिक, लेकिन परिवार में ऊपर किसी को नहीं होती. तो अगर परिवार में किसी को एपिलेप्सी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ओरिजिन जेनेटिक नहीं हो सकता है और ये बच्चा आगे पास ऑन इसको नहीं कर सकता है. तो दोनों ही ऑप्शंस हैं, जेनेटिक हो सकती है. बहुत सारी ऐसी एपिलेप्सीज हैं आजकल, तो देर आर मोर देन 100-200 जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिलेप्सी. तो येस, आंसर टू योर क्वेश्चन दैट कैन इट बी जेनेटिक, येस इट कैन बी जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ यू नो जेनेटिक रीज़न. और पेरेंट्स में ये हो ये आवश्यक नहीं है, उसके बगैर भी जेनेटिक हो सकती है. अगला सवाल ये आता है कि अगर हमें पता लग जाए कि ये जेनेटिक एपिलेप्सी है तो हमें क्या फ़ायदा है इसका या क्या नुकसान है? अगर हमें पता लग जाता है कि कारण क्या है, एक तो हम आपको बता सकते हैं कि हर डिजीज़ का जो पर्टिकुलर है, जो सोडियम चैनल म्यूटेशन है या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, अगर हमें क्लियर कट जेनेटिक डायग्नोसिस पता लगता है तो एक तो हम ये बता सकते हैं कि इस एपिलेप्सी की सीवियरिटी कितनी है, ताकत कितनी है, कितना ये परेशान कर सकती है, कितनी जल्दी ठीक हो सकती है या ठीक नहीं हो सकती है. इसके साथ और कुछ कंडीशन हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक तकलीफ होती है, बीमारी होती है, जिसमें मिर्गी के अलावा बच्चों को ऑटिज़म की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, बच्चे डेवलपमेंटली भी डिलेड हो जाते हैं, स्किन के ऊपर भी निशान होते हैं काफ़ी बड़े बड़े कैफिले स्पॉट्स उसको हम बोलते हैं, वो निशान हो जाते हैं. तो और उसको कंडीशन को ट्रीट करना भी उतना आसान नहीं होता है. ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के हार्डली 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीजर से जिनको राहत मिल सकती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चे स्ट्रगल कर सकते हैं. और ऑन द अदर हैंड देर आर सर्टेन एपिलेप्सिस जिनके बारे में हमें पता लग जाए तो हम कई बार सही दवा आपको देने में सक्षम होते हैं उस एपिलेप्सी के हिसाब से, या कुछ दवाएं जो हैं उस एपिलेप्सी में सूट नहीं करती हैं वो हम अवॉइड करते हैं. जैसे एक कंडीशन होती है ट्रेविस सिंड्रोम, उसमें सोडियम चैनल की एक म्यूटेशन होती है जो हमें जीन टेस्ट करके पता चलता है, तो उनमें ऐसी कुछ दवाएं होती हैं जो उल्टा नुकसान कर सकती हैं, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, जैसे फेनिटोइन है, कार्बामेज़ेपिन लाइक ड्रग है, टिग्रिटाल अगर आपने सुना हो, तो वो दवाइयाँ हम उसमें अवॉइड करते हैं. और कुछ स्पेसिफिक दवाएँ होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं उसमें बेनिफिट करने के लिए. तो ऐसी और ऐसी काफ़ी सारी कंडीशन है. कई बार हमें डाइट का भी मतलब फ़ायदा मिल जाता है. कुछ ऐसी जेनेटिक एपिलेप्सीज हैं जैसे एक तो यही मैंने आपको बताया ट्रेविस सिंड्रोम है, या कई बार जो है ग्लूट1 डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो जेनेटिक टेस्ट से पता लगता है, और भी कई एपिलेप्टिक एनकेफलोपैथीज लाइक कंडीशन है, वेस्ट सिंड्रोम है, या और कुछ चैनलोपैथीज होती हैं जिनमें हम कीटोजेनिक डाइट यूज़ कर सकते हैं, या मॉडिफाइड एटकिंस डाइट है, या लो ग्लाइसिमिक डाइट है, उनसे भी हमें काफ़ी मदद मिल जाती है. तो नॉलेज इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप चिंतित हैं जेनेटिक के बारे में तो डेफिनेटली वो टेस्ट करने में हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जनरली हम ऑफर नहीं करते हैं. अगर वो सिंपल एपिलेप्सी है, दवा से ठीक हो जाती है, बच्चे की डेवलपमेंट ठीक है, तो जनरली हम नहीं कराते हैं उसको. हम उससे ऊपर अगर दिक्कत आती है हमें तो कराते हैं, सो दैट वी नो व्हाट द कंडीशन इज और उसका क्या हमें
मतलब आगे प्रोग्नोसिस हम आपको बता सकते हैं या कंडीशन, कई कंडीशन ऐसी भी होती हैं एपिलेप्सी में जो ऑलमोस्ट लाइलाज टाइप कंडीशन होती हैं, तो एटलीस्ट उनके बारे में हम जान लें तो हम आपको भी थोड़ा सफाई से बता पाएंगे उसमें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपको आगे एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो नॉलेज इज ऑलवेज हेल्प। आई होप इस वीडियो में आई एम एबल टू क्लियर यू कि जेनेटिक कारण होते हैं एपिलेप्सी के और उसको करने या ना करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।